हे दोस्तों नमस्कार, मैं सुधीर, स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो आरआरबी एनटीपीसी को लेके एक बहुत बड़ी यहाँ पे नोटिस निकल के एग्जाम डेट यानी कि परीक्षा तिथि को लेके जो आपके सारे डाउट थे यहाँ पे क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, शुरू से अंत तक वीडियो को देखिएगा, हम लास्ट में क्लियर कर देंगे आपको यहाँ पे एग्जाम कब होगा। ठीक है, तो अभी देखिए आपसे चाहेंगे, अभी अगर पहली बार हमें देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करना क्यों यहाँ पे फायदेमंद रहेगा आपके लिए, क्योंकि रेलवे के जो कंप्लीट आपके रिविजन यहाँ पे हम करेंगे, मैथमेटिक्स का रिविजन करेंगे, साथ में रीजनिंग भी रिवीजन करेंगे, जीके जीएस के जो भी इंपॉर्टेंट होंगे, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपको यहां पे मिलने वाली है, और सबसे इंपॉर्टेंट मैथ की इतनी अच्छी से तैयारी हम यहां पे कर लेंगे ना कि आराम से हमारा जो मैथ के क्वेश्चन आएंगे 30 उसमें से हम 20 से 25 करके आएंगे। ठीक है, अभी देखिए इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, जितना लोग हो सके फैला दीजिए। ठीक है, जिससे और लोग भी सब्सक्राइब कर लें, चैनल पर जुड़ जाए, और आप लोग सब्सक्राइब किए हैं और बेल का आइकन भी क्लिक कर लीजिए जिससे सारे वीडियोज की नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे आरआरबी एनटीपीसी के लिए एक नोटिस आया पैरामेडिकल के एग्जाम को लेकर। पैरामेडिकल का फॉर्म भरा गया था जिसमें आपको पता होना चाहिए बहुत कम फॉर्म भरे गए, उसका एग्जाम भी बहुत जल्दी खत्म हो जाने वाला। चलिए चलते हैं हम नोटिस पे, उसके बाद ही वहां से देखेंगे एग्जाम कब तक होगा आपका एनटीपीसी का। तो ये जो ऑफिशियल नोटिस है इसको रेलवे की वेबसाइट से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं, आपको पटना के वेबसाइट पे मिल जाएगा आरआरबी। ठीक है, उसके बाद देखिए सीएन 2002/2000 में आपको याद होगा आरआरबी रेलवे की तरफ से पैरामेडिकल कैटेगरी के फॉर्म भरे गए थे, उसके लिए यहाँ पे एक नोटिस आया कि आप फॉर्म का स्टेटस चेक करते हैं। तो स्टेटस के लिए देखिए आपको 9 तारीख को यानी कि आज आपको 10 बजे से स्टेटस आपको चेक होने लगेगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि रेलवे कभी भी 2 एग्जाम साथ में नहीं कराता, क्यों उसका भी रीज़न है। सारे एग्जाम क्या होते हैं ऑनलाइन होते हैं, और रेलवे के सेंटर बने हुए हैं कि यहाँ यहाँ पे एग्जाम होने हैं। अब एक साथ 2 एग्जाम कराने का मतलब एक ही सेंटर में 2-2 बच्चे नहीं हो पाएगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, आपने देखा ग्रुप डी के जब तक एग्जाम चले तब तक आपके एएलपी के एग्जाम नहीं हुए, जैसे ही ग्रुप डी के एग्जाम हुए ऐसे एएलपी के एग्जाम हुए, या फिर पहले एएलपी के हुए फिर ग्रुप डी के हुए, ऐसा हुआ कि नहीं। ठीक है, इसलिए पहले पैरामेडिकल का एग्जाम जब तक खत्म नहीं हो जाता तब तक आपका एनटीपीसी का एग्जाम नहीं होगा, ये बात आपको यहाँ पे समझने और ध्यान रखने वाली है। अब आइए देखें 9 तारीख से आपके स्टेटस पता चलेंगे। यहाँ पे आइए एग्जाम की डेट की बात कर लें तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि सीबीटी या ऑनलाइन टेस्ट होगा जो पैरामेडिकल के लिए, वो होगा सेकंड वीक ऑफ जुलाई, यानी कि सेकंड वीक ऑफ जुलाई से ये एग्जाम से स्टार्ट होंगे पैरामेडिकल वाले। अब आपके दिमाग में एक चीज यहाँ पे भर जाना चाहिए कि अभी आज तारीख है 9, यानी कि आज के हिसाब से देखें लगभग 40 दिन, आज 9 है और अगले महीने का जो हम 9 को जाते हैं तो 9 हमारा सेकंड वीक तो लग जाता है, लेकिन लगभग हम सोचे 30 हो जाते हैं और सेकंड वीक ख़त्म होता है तो सेकंड वीक मतलब 35-37 दिन हो जाते हैं। मतलब कुल मिला के मेरे हिसाब से जो एग्ज़ाम की डेट बढ़ता है 40 प्लस हम कह सकते हैं 50 दिन लगभग होंगे, 50 दिन आपके बचे हैं एग्ज़ाम में आपके एनटीपीसी के। 50 दिन बहुत होते हैं आपके रिवीजन करने के लिए, अगर जो आपकी तैयारी अच्छी नहीं हो तब भी आप तैयारी कर सकते हैं। तो इन 50 दिनों में एक अच्छा खासा एफर्ट लगाइए, जो आप तैयारी करते थे उसको किक स्टार्ट दीजिए, धक्का दीजिए, जिससे और जोर लगे और अच्छे से आपकी तैयारी हो सके। ठीक है, तो टोटल बात करें एक महीने से ज़्यादा 40 से 50 दिन आपके एग्ज़ाम में बचे हैं, तो इस हिसाब से आप तैयारी करिए कि आसानी से हो जाए। देखिए ये जो नोटिस आया है पैरामेडिकल के लिए, हो लगता है जैसे ही ये महीना ख़त्म हो आपका, कौन सा महीना, जून, जैसे ये जून ख़त्म हो वैसे ही ये नोटिस आ जाए एनटीपीसी के लिए कि एनटीपीसी के लिए आपके जो स्टेटस है वो चेक होने शुरू हो गए हैं। तो ये एग्ज़ाम के बीच में भी आ सकता है, कभी भी ये नोटिस आ सकता है, इसलिए आप जो भी तैयारी करें उसको किक स्टार्ट दे दिए। और जो आपके बचे एग्जैक्ट 50 से ज़्यादा दिन नहीं होंगे, मैक्सिमम मैंने बोला मैक्सिमम 50 दिन, इससे ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, तो इसलिए आप तैयारी, मैं पहले से बोल रहा हूँ जुलाई लास्ट में तैयार हो, एग्ज़ाम हो सकता है आपका जुलाई लास्ट वीक या फिर अगस्त स्टार्टिंग में, मैं पहले से बोल रहा हूँ, तो वही यहाँ पे सेम हो रहा है, इसलिए आप लोगों से मैं कुछ बोलूँगा नहीं ज़्यादा, बस यही बोलूँगा तैयारी करते रहो और एकदम पढ़ाई पे जोर कर दो। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो, और मैथ की जो रिविजन वाली क्लासेस है वो आपकी कंटिन्यू रहेंगी। चलिए मिलते नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद दोस्तों। वीडियो पसंद है तो लाइक करना मत भूलना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो जिससे और लोग भी वीडियो देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद दोस्तों, जय भारत।